क्या आम क्या खास, सभी के लिए नौमी का त्यौहार बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज माँ के आखिरी रूप की पूजा होती है और इस पूजा में घर के सभी सदस्य एक साथ मिलकर माँ के नौ रूपों की पूजा करते हैं और नौ कन्या खिलाई जाती हैं। आपको बता दे, यही सब कुछ हुआ पवन सिंह के घर। जी हाँ, पवन सिंह की पत्नी और पवन सिंह ने एक साथ बैठकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, फिर उसके बाद नौ कन्याओं को अपने हाथ से भोजन करवाया। नवरात्रि सभी के लिए खास होती है, माँ का आशीर्वाद सभी पाना चाहते हैं, तभी तो आजकल अक्षरा सिंह भी विंध्याचल में माँ के दरबार में हाजिरी लगा रही हैं। जी हाँ, अपनी पूरी डोली की टीम के साथ, यानी कि अपनी फिल्म डोली की टीम के साथ अक्षरा सिंह पहुँच माता वृंदवाशिनी का आशीर्वाद लेने। जी हाँ, अक्षरा सिंह पहुंची हैं विंध्याचल माँ वृंदवाशिनी का आशीर्वाद लेने और आप देखेंगे कि दूसरी तरफ पवन सिंह अपने घर में नौ कन्याओं को खिला रहे हैं। जी हाँ, साथ ही साथ आम्रपाली दुबे, जहां अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन्होंने नौ कन्याओं को खिलाया। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे भोजपुरिया स्टार्स के लिए ये त्यौहार कितने मायने रखते हैं, अपने त्योहारों के प्रति वो कितने सहज और सरल भाव से उसमें सम्मिलित होते हैं। वैसे पवन सिंह की जो इमेज फिल्मी पर्दे पर है, उन्हें देखकर ये नहीं, निजी जीवन में वो इतने ज्यादा धार्मिक व्यक्ति होंगे, लेकिन हाँ, इन फोटोज को देखकर आप ये जरूर कह सकते हैं कि पवन सिंह निजी जीवन में भी बहुत ही ज्यादा धार्मिक है। जब रुद्राभिषेक उन्होंने अपने घर करवाया था, तब भी उनकी फोटो वायरल हुई थी, और अब जब नवमी के दिन नौ कन्याओं को खिला रहे हैं, तब भी ये फोटो वायरल हो चुकी है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं।